आप लोग कुछ समय से देख रहे होंगे कि चाबहार पोर्ट कुछ ज्यादा ही चर्चा में बना रहा है। और याद रखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे, तब से इस पर आप समझिए कि हमारी जो काम करने की गति थी वो भी धीमी पड़ चुकी थी, क्योंकि आपने देखा है कि ईरान पर कितने प्रतिबंध लगाए जा रहे थे अमेरिका की ओर से। तो हम लोगों ने एक तरह से उस पर काम करना बंद सा कर दिया था। और इसी का आपने देखा होगा कि एक रेलवे प्रोजेक्ट चलाया गया ईरान के द्वारा, और उसमें कहा जा रहा था कि चाइना ने इसकी मदद की है। आप समझ रहे हैं? तो अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में भारत ने इस चाबहार पोर्ट पर फिर से काम करने के लिए कुछ आगे बढ़ के कदम उठाए, दो क्रेनें भी सौंपी हुई हैं ईरान को, तो फिर से चर्चा में आ जाता है। और इस तरह के टॉपिक जो भी रहते हैं तो उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। समझ रहे हैं आप लोग? तो इनके बारे में हमेशा याद रखा करिएगा। और ईरान के बारे में भी आप लोगों को याद रखना है कि कहाँ है, कितने देशों से सीमा लगती है ईरान की, और आप समझिए कि इसकी राजधानी क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पूछ लेता है। तो आपको देखने को मिलेगा, ये है देखिए आपका चाबहार पोर्ट जिसका निर्माण भारत के द्वारा किया गया है, और ये है ग्वादर पोर्ट जिसका निर्माण पाकिस्तान में चाइना के द्वारा किया गया है। आप समझिए एक बात को कि हमें अगर अफगानिस्तान या तुर्कमेनिस्तान इस साइड जाना है, यहां तक कनेक्टिविटी रखनी है, तो आप समझिए अगर हमारे पाकिस्तान या चाइना से संबंध अच्छे होते तो हम लोग डायरेक्ट यहां से कनेक्टिविटी बना सकते थे। लेकिन आपने देखा है कि पाकिस्तान से हमारे संबंध हमेशा खराब बने रहते हैं, इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि अरब सागर होते हुए, चाबहार फोर्ट होते हुए, यहां से हम लोग आप आसानी से यहां तक अपनी कनेक्टिविटी रख सकते हैं। इसी उद्देश्य से आप समझिए हम लोगों ने चाबहार पोर्ट का निर्माण कर रहे हैं, कहां, ईरान में। और ईरान की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं कि तेहरान है। और एक याद, यहाँ आपको इसकी सीमाओं की अगर बात करें हम लोग, तो उत्तर में आपको देखने में को उत्तर पूर्व में देखने को मिलेगा तुर्कमेनिस्तान, यानी कि ईरान की सीमा तुर्कमेनिस्तान से भी लगती है, और यही आपका कैस्पियन सागर है। तो ये भी डायरेक्ट कई बार क्वेश्चंस पूछ लेगा आपसे कि क्या ईरान की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है, तो लगती है, इसकी राजधानी यहाँ है तेहरान, ठीक है। इसकी सीमा अगर आपसे बात की जाए तो दक्षिण में आपको फारस की खाड़ी देखने को मिलेगी, देख रही है, फारस की खाड़ी से भी इसकी सीमा लगती है। और आपको देखने को मिलेगा कि यही अजरबैजान से भी इसकी सीमा लगती है, किससे, अजरबैजान से भी इसकी सीमा लगती है, इराक से भी इसकी सीमा लगती है, और तुर्की से भी, क्या है, ये तुर्की देख रहा है, इससे भी इसकी सीमा लगती है। और पूर्व में अगर आप देखें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भी इसकी सीमा लगती है। और आप समझिए यहाँ देखिए, यहाँ से हम लोग इस तरह से कनेक्टिविटी रखेंगे, फिर कजाकिस्तान हो या फिर उज्बेकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, यहाँ आसानी से हम लोग आ जा पाएंगे, अपना व्यापार आराम से चला पाएंगे। अगर भारत के देश के बारे में बात करें तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इसके पड़ोसियों की बात करें तो आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और आप सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश से सबसे ज्यादा हमारी सीमा लगती है और अफगानिस्तान से सबसे कम लगती है, ठीक है। चलिए अब आर्टिकल को हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह या पोर्ट के लिए दो क्रेन सौंपी गई हैं, और ईरान की चाबहार बंदरगाह परियोजना को विकसित करने के अपने नवीनतम प्रयास में भारत ने ईरान को उपकरण लोड करने और उतारने के लिए 140 टन की दो क्रेनें सौंपी हैं। एक क्रेनें क्या होती हैं, आप समझिए कि वजन को उठाने या चढ़ाने के लिए कहीं इनका उपयोग किया जाता है, आप लोगों ने भी सुना होगा ना, क्रेनें, मशीनें, वही, ठीक है। दरअसल भारत ईरान को 6 मोबाइल हार्बर क्रेन सौंपेगा जिनकी कीमत लगभग आपको देखने को मिलेगा $25 मिलियन है। और हम लोग इस पर इसलिए भी काम करना शुरू कर दिए कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हार चुके हैं चुनाव, जो बाइडन आ चुके हैं, तो आप समझिए कि जो बाइडन अब ईरान से संबंध सुधारने की भी बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वह फिर से ईरान परमाणु समझौते को करने के पक्ष में है, और इस स्थिति में अमेरिका द्वारा ईरान के ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों में कुछ ढील दी जा सकती जाती है, तो भारत सरकार चाबहार बंदरगाह परियोजना में और निवेश बढ़ा सकती है। आप समझिए डोनाल्ड ट्रंप के समय प्रतिबंध लगाए जा रहे थे ईरान पर, और आप समझिए कि अगर कोई भी देश होता वो डरता वहां पैसा लगाने से, निवेश करने से, इसलिए आप समझिए भारत ने उस पर गति धीमी कर दी थी उस प्रोजेक्ट पर। भारत सरकार चाबहार कनेक्टिविटी और पारगमन बेड़ी
व्यापार के अवसरों पर चर्चा करने के लिए एक चतुष्कोणीय बैठक आयोजित करेगी, जिसमें भारत के अलावा अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त इसमें आप देखेंगे मध्य एशियाई देशों को भी पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया जा सकता है। इस बैठक का फोकस फास्ट ट्रैक क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के साथ साथ अफगानिस्तान और पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त उद्देश्य को बढ़ावा देना होगा। इस चतुष्कोणीय बैठक में एक तंत्र या फिर सचिवालय पर भी चर्चा की जा सकती है, जो भविष्य में चाबहार में संयुक्त परियोजना को संभालेगा। और याद रहे कि जुलाई 2020 यानी कि 2020 में ईरान की सरकार ने घोषणा की थी कि वह चाबहार बंदरगाह से जाहेदान अफगानिस्तान सीमा के पास तक रेलवे लाइन को अकेले ही विकसित करेगा। ऐसा समझिए आप लोग कि इसलिए कहा जा रहा था कि चाइना मदद कर रहा है, क्योंकि ईरान के पास इतने पूंजी नहीं थी कि वो अकेले रेलवे लाइन बिछा सके या रेलवे लाइन पर पैसा खर्च कर सके, समझ रहे हैं आप लोग। इसलिए यही सोच के कहा जा रहा था कि चाइना ने उसकी मदद की है। इसके पीछे तर्क यह दिया गया था कि भारत ने ईरान सरकार के बार बार अनुरोध के बाद भी इस रेलवे लाइन को विकसित करने के संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। और समझिए कि भारत इसलिए प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था क्योंकि भारत भी आप समझिए कि अपनी पूंजी बर्बाद नहीं करना चाह रहा था। अगर आप सोचिए कि और अच्छे से प्रतिबंध लगाता अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप दोबारा चुन के आ जाते, तो आप समझिए हमारी पूंजी वहां लगाने का कोई मतलब नहीं रहता। यहां से भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाता है, ईरान परमाणु समझौता, जिसे आपने देखा है कि कुछ समय पहले अमेरिका इससे अलग भी हुआ था। और याद रखिए ये ओबामा समय के, ओबामा साहब के समय में किया गया था। ओबामा जब राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तब ये समझौता हुआ था 2015 में। 2015 में ईरान और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों यथा अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन और तथा जर्मनी व यूरोपीय संघ के बीच वियना में हुआ था। तो आप लोगों से ये भी कई बार क्वेश्चंस बन जाता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के नाम बताना है। तो याद रखिए अमेरिका भी इसमें शामिल है, रूस भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, फ्रांस भी शामिल है और ब्रिटेन भी शामिल है। और इन्हें एक तरह से आप कहिए कि वीटो पावर मिली हुई है। वीटो शक्ति या पावर का कहने का मतलब ये है कि आप समझिए अगर कोई प्रस्ताव आता है, अगर ये 5 देश उस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं होते हैं तो वो प्रस्ताव पास नहीं होता है। आप समझिए कि चार चार देश अगर इसके पक्ष में ही प्रस्ताव के, एक भी व्यक्ति अगर उसके, एक भी देश यानी कि कहने का मतलब उसके विपक्ष में होगा, वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। अगर आपको कोई प्रस्ताव पास करवाना है तो 5 देश, 5ों ही देशों की सहमति उस पर जरूरी होती है, ठीक है। आधिकारिक तौर पर ईरान परमाणु समझौता का नाम संयुक्त कार्रवाई व्यापक योजना है। यह समझौता 13 वर्षों की कूटनीतिक प्रयासों के बाद आ पाया था। समझौते के मुताबिक ईरान को अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को कम करना था, साथ ही अपने परमाणु संयंत्रों को निगरानी के लिए खोलना था। इसके अलावा समझौते के जरिए ईरान को अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार का 98% हिस्सा नष्ट करना था और ईरान को अपने मौजूदा परमाणु सेंट्रीफ्यूज में से 2/3 को भी हटाना था। अमेरिका इस समझौते के बदले ईरान को तेल और गैस के कारोबार, वित्तीय लेन देन, उन्नयन और जहाजरानी जैसे क्षेत्रों में लागू प्रतिबंधों में ढील देने के लिए राजी था, लेकिन साल 2016 में आए ट्रंप ने इस समझौते को घाटे का सौदा बताया और मई 2018 में अमेरिका ईरान परमाणु समझौते से बाहर हो गया है। और आप समझिए कि जो ईरान है इसकी अर्थव्यवस्था आपकी तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से ही चलती है, आप समझ रहे हैं। जहां चाबहार अगर बंदरगाह परियोजना की बात करें तो ओमान की खाड़ी में स्थित चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिण पूर्वी समुद्री किनारे पर बना है। चाबहार ईरान में सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत का एक शहर है। यह बंदरगाह भारत के पश्चिमी समुद्र तट से ईरान के दक्षिणी समुद्र तट को जोड़ता है और ईरान से चाबहार बंदरगाह को व्यापार मुक्त क्षेत्र भी घोषित किया गया है। इससे बंदरगाह का विकास भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है और इस बंदरगाह के विकसित होने से न सिर्फ भारत को फायदा होगा बल्कि अफगानिस्तान और ईरान को भी इस बंदरगाह से काफी लाभ होगा। इसके माध्यम से भारत के लिए समुद्री और सड़क मार्ग से अफगानिस्तान पहुंचने का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा और इस स्थान तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान के रास्ते की आवश्यकता भी हमें नहीं होगी। और इस बंदरगाह का इस्तेमाल कच्चे तेल व यूरिया के परिवहन के लिए किया जाएगा और इससे भारत की परिवहन लागत में काफी बचत भी
देखने को मिलेगी। और आप समझिए कि हमें पाकिस्तान की ओर हमेशा नहीं देखना पड़ेगा, समझ रहे हैं? पाकिस्तान से कब संबंध हमारे सुधरते हैं, कब गिर जाते हैं, ये तो कोई मालूम ही नहीं चलता है, आप समझ रहे हैं? तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ से कनेक्टिविटी रख लेंगे। तो यही है आपकी चाबहार बंदरगाह की कहानी, इसके बारे में याद रखिए, इससे क्वेश्चंस आपके बनते रहते हैं। और याद रखिए, जब हम लोगों ने अपने वर्ल्ड मैप्स पढ़ा था, उसमें सभी देशों के बारे में पढ़ रहे थे, तो आप में से कई लोगों के क्वेश्चंस थे कि वो इतने सारे देश हैं, सबके बारे में जानकारी इकट्ठा रख पाना मुमकिन नहीं है, तो ये हकीकत है। तो आप समझिए कि सबके बारे में आपको जानकारी इकट्ठी भी नहीं रखना है, जो देश चर्चा में रहता है उसी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है कि उसकी सीमा कितने देशों से लग रही है, उसकी राजधानी क्या है, उसके बारे क्यों चर्चा में था, यही पॉइंट आपको याद रखना होगा, ठीक है?